पिक्चर के क्या यूजेस हैं? पिक्चर्स एक तो मास प्रोडक्शन देने के लिए, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पार्ट बन जाएंगे, उस टाइप का वेल्डिंग पिक्चर बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कंबाइन करके एक वर्ड बोल दिया, वेल्डिंग पिक्चर। वेल्डिंग पिक्चर क्या होती है? एक वर्क होल्डिंग डिवाइस होती है जो कि इस चीज़ के लिए काम आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था ना कि एक एल ब्रैकेट बनाना है तो दो सीट है, एक ये है, ये मेरा 100 mm का था और ये 150 का था, दोनों अलग अलग हैं। अब हमने इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, ये बनाना है और यहाँ पे हमारी वेल्डिंग अप्लाई करेंगे। अब वेल्डिंग अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेट पार्ट आए, हमारा जो आउटपुट है जो एज पर ड्राइंग हमें चाहिए, अगर मान लो कि इसमें अगर 91 और 89 तक एक्सेप्टेबल है, मतलब प्लस माइनस 1 mm की टोलरेंस है इसमें। अब टोलरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टोलरेंस का मतलब है कि एक हमें जो है एक सीमा होती है कि भैया अगर तुम ये पार्ट बनाओगे, क्योंकि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो सर्टेन जैसी डायमेंशन मिले उसी तरीके से बन जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। तो अब हम बात करेंगे वेल्डिंग फिक्चर्स के बारे में। तो वेल्डिंग फिक्चर इसीलिए यूज़ होता है ताकि मैं इस एल पार्ट को जो है, जो मेरा ये एल पार्ट था, इसको एक्यूरेटली वेल्ड कर पाऊँ। उसके लिए क्या होता है, वेल्डिंग फिक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये वर्क करता है, जो वेल्डिंग फिक्चर है हमारा, इट बेसिकली वर्क्स ऑन 3-2-1 प्रिंसिपल। अब 3-2-1 प्रिंसिपल क्या है? 3-2-1 प्रिंसिपल है एक मतलब इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी पिक्चर बनता है तो 3-2-1 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है। 3 से जो डिनोट करता है वो बात करता है रेस्टिंग की, कि एटलीस्ट जो 30% ऑफ एरिया है हमारा, जो पार्ट है, पार्ट का 30% एरिया मिनिमम जो हमारा, उसको रेस्टिंग मिलनी चाहिए। सेकेंड होता है टू लोकेशन, मिनिमम दो लोकेशन चाहिए ताकि पार्ट रोटेट ना हो और पार्ट जो है उसकी मैक्सिमम एक्सिस लॉक हो जाए। अगर दो पिन हम कहीं पे दे देंगे तो उसकी रोटेशनल एक्सिस भी लॉक हो जाती है और लीनियर एक्सिस भी लॉक हो जाती है। अब रह जाती है हमारी जेड, तो जेड हमारी रेस्टिंग से कवर हो जाती है। ये हो गया लोकेशन। और वन होता है क्लैंप। तो क्लैंप क्या होता है? क्लैंप का मतलब होता है उसे प्रेशर देके होल्ड करना। मतलब कि अब मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अगर एक पिक्चर बनाना है, ये जो हमने ड्राइंग बनाई थी, अगर इसको हम समझेंगे, इसके मैं दो व्यू ले लेता हूँ, एक सामने फ्रंट व्यू ये आ गया और एक इसका टॉप व्यू आ गया। इसको हम कुछ इस टाइप से बना देते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका एक व्यू ये है और एक व्यू मेरा ये है। ठीक है, मान लीजिए इस पे यहाँ पे दो होल थे और इस पे सामने दो होल थे, तो वो होल आ जाएंगे मेरे यहाँ, ये होल आ जाएंगे मेरे यहाँ। ठीक है, ऐसा था वो एल ब्रैकेट और यहाँ करनी थी हमने वेल्डिंग। तो हम सबसे पहले पार्ट को क्या है, दो पार्टों में है ये बेसिकली, अभी मैंने वेल्डिंग के थ्रू दिखा दिया आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा 3-2-1 प्रिंसिपल क्या करें, कम से कम 3 रेस्टिंग चाहिए। मतलब इस जगह पर नीचे से मैं 3 जगह पर वेल्डिंग एरिया के नियर अबाउट होनी चाहिए, ये 3 या 4, 30% एरिया कवर करना होता है। आप इनको तीन टुकड़ों में ना लगा के पूरा का पूरा सॉलिड ब्लॉक भी लगा सकते हैं। बेसिकली 30% एरिया शुड बी कवर्ड। तो ये हो जाएंगी मेरी रेस्टिंग। यहाँ पे मैं दो पिन लगा दूंगा इनके अंदर जो मेरा काम करेंगी लोकेशन का, और तीसरी जगह मेरी आ जाएगी, एक आ जाएगा क्लैंप, तो वो मैं यहाँ पे सेंटर पे कर दूंगा क्लैंप। क्लैंप करने के लिए बेसिकली हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होता है टोगल क्लैंप, मैनुअल भी आता है ये, और एक होता है हमारा न्यूमेटिक क्लैंप। बहुत सारे टाइप के क्लैंप हो सकते हैं, मैकेनिकल क्लैंप हो सकता है, ठीक है, आपका हाइड्रोलिक क्लैंप हो सकता है। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, इस पार्ट, किसी भी पार्ट को अगर हम बना रहे हैं, मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूँ और थोड़ा से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं दो पार्टों को मैं अलग अलग हिस्सों में बना लेता हूँ। एक मेरा पार्ट है ऐसा, इसकी लेंथ है 100 mm, इसके सेंटर पे दो होल हैं, ठीक है, और एक और पार्ट है हमारे पास,
इसके भी यहाँ पे दो होल हैं, और इसकी जो लेंथ है वो है हमारा 150 mm, और हमें आउटपुट क्या चाहिए ऐसा बनाना है। ठीक है, यहाँ होनी है वेल्डिंग। ये इसका साइड व्यू है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी फिक्चर बनाएंगे, जो भी VIW वेल्डिंग फिक्चर बनता है हमारा, VIW वेल्डिंग फिक्चर ही बता रहे हैं अभी हम, वेल्डिंग फिक्चर कोई सा भी हो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन VIW के टर्म्स में उसकी जो कैलकुलेशंस होती है वो अलग हो जाती है, मतलब कि वो डिपेंड करते हैं कि वेल्डिंग फोर्स के ऊपर। ऐसे कोई भी ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन के फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मजबूत फिक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसके दोनों होल को हम क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे। अब अगर प्रैक्टिकली आप करके देखोगे, एक ये कंपोनेंट है मेरे पास, अगर मैंने इसके इस होल को ऐसे लोकेट कर दिया और इस होल को भी लोकेट कर दिया, तो ये पार्ट मेरा ऐसे रोटेट नहीं हो सकता है। अभी तो मेरे हाथ रोटेट हो रहे हैं, लेकिन ये पार्ट रोटेट नहीं हो सकता है। ठीक है, ना ये रोटेट हो सकता है, ना ये इधर हो सकता है, ना ये इधर हो सकता है। ये केवल ऊपर बाहर निकल सकता है या नीचे अंदर ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, तो कितनी एक्सिस लॉक हो गई हमारी, एक एक्सिस ये लॉक हो गई है, प्लस में और माइनस में एक एक्सिस ये लॉक हो गई है। ठीक है, अब हमारी कौन सी रहेगी, जेड वाली एक्सिस। जो है जेड वाली एक्सिस लॉक करने के लिए, यहाँ हम नीचे रेस्टिंग जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसके ठीक नीचे यहाँ हमने कुछ रेस्टिंग ब्लॉक्स लगा दिए, मतलब इसके ठीक नीचे जिस इस कंपोनेंट को आप देख रहे हो, तो इसके नीचे मैंने अपना ये रेस्टिंग ब्लॉक लगा दिया है। तो अभी इससे नीचे भी नहीं जा पाएगा, ये मैंने समझ लो आप रेस्टिंग ब्लॉक लगा दिया है। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर उठने के चांसेस हैं। तो ऊपर उठने के लिए कोई भी एक डिवाइस हो सकती है कि मैं उसको हैंडल से भी ऑपरेट कर सकता हूँ कि वो नीचे आए और इसको दबा दे। अब इसकी सारी एक्सेस लॉक हो जाएगी, ना ये इधर जा पाएगा, ना ये इधर जा पाएगा, ना ये ऊपर निकल पाएगा, ना ये बाहर जा पाएगा। तो एक कंपोनेंट की सारी एक्सेस को लॉक करना होता है बेसिकली, उसकी चाहे वो रोटेशनल एक्सेस हो, चाहे वो हमारी लीनियर एक्सेस हो, एंगुलर एक्सेस हो, कोई भी एक्सेस हो, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को लॉक करना है, वो मूव नहीं होना चाहिए। और इतना उसमें फोर्स होना चाहिए, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसके ऊपर जो वेल्डिंग हो रही है या जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस से ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना आ पाए उसमें, मतलब अंडर टॉलरेंस ही उसमें डिफरेंस आ पाए। तो ये था हमारा वेल्डिंग फिक्चर्स, वेल्डिंग आज हमने बात करी VIW वेल्डिंग फिक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, VIW क्या होता है, जहाँ पे हमारे सीट मेटल पार्ट्स होते हैं, बेसिकली सीट मेटल पार्ट्स, जो भी पार्ट्स इस ऑपरेशन में, जहाँ पे मैंने आपको बोला था बॉडी प्लस चेसिस वेल्डिंग हो रही होगी, जो भी पार्ट, जितने भी पार्ट होंगे जो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं इस प्रोसेस में आके स्ट्रक्चर बनने में, वो सारे VIW पार्ट्स हैं। और उनके जितने भी वेल्डिंग फिक्चर्स बनेंगे, मतलब वेल्डिंग फिक्चर बेसिकली क्या काम करता है, एक या वन या एक से ज़्यादा या फिर या ज़्यादा पार्ट्स को, जो प्रेस पार्ट्स होते हैं उनको सिंगल पार्ट बनाने के लिए, एक मतलब मान लो कि एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तो दो पार्टों से उसने एक सिंगल पार्ट बना दिया है थ्रू वेल्डिंग। एक वेल्डिंग एक ऑपरेशन था, तो हमारे दो पार्टों से एक पार्ट बन गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि दो पार्टों से एक पार्ट बन रहा है, एक से दो से ज़्यादा अधिक पार्टों से भी, जितने भी पार्टों से एक सिंगल पार्ट बनेगा वहाँ पे हमें वेल्डिंग फिक्चर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वेल्डिंग फिक्चर कोई सा भी हो सकता है, आइदर इट सॉरी VIW, और जो ये फिक्चर होगा इसे हम कहेंगे VIW वेल्डिंग फिक्चर। अब VIW वेल्डिंग फिक्चर के अंदर भी बहुत टाइप के प्रोसेस आते हैं, मतलब वेल्डिंग भी बहुत टाइप की होती है, तो उसके बारे में हम अपनी वेल्डिंग वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।